फिल्म अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसका ऐलान किया। हालांकि तमिलनाडु चुनाव के बीच रजनीकांत को पुरस्कार दिए जाने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने भी रजनीकांत को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया कि पीढ़ियों के दौरान लोकप्रिय कुछ कामों का एक समूह, विविध भूमिकाएं और एक स्थायी व्यक्तित्व, ये रजनीकांत की पहचान है। थलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने पर बधाई।